गहलोत चित्तौड़गढ़ में पहुंचे, वहां पर उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की प्रतिमाओं का अनावरण किया। वहीं इसके अलावा दूसरे विकास कार्यों की भी सौगात दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बड़ी तादाद में आई जनता का आभार जताया। गहलोत ने कहा कि सरकार ने काम की कोई कमी नहीं रखी। जनता के प्यार में तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूँ। मैंने जनप्रतिनिधियों से वादा किया था कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। सरकार ने 4 साल में 211 कॉलेज खोले हैं और इनमें 91 कॉलेज लड़कियों के हैं। आज महंगाई से आम आदमी की कमर टूट गई है। प्रदेश सरकार ने नौकरियों की बौछार की है। आगामी बजट में बिजली, पानी, चिकित्सा समेत कई क्षेत्रों में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। जोरदार तालियों से आप भी स्वागत कीजिए, दोनों हाथ ऊपर कीजिए और इस स्वागत की रस्म में शामिल हो जाइए। मेवाड़ भूमि पर आपका बहुत बहुत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चित्तौड़गढ़ दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीएम गहलोत की अगवानी करने हेलीपैड पर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना पहुंचे। उन्होंने खास बातचीत में कहा कि विपक्ष को संतुष्ट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हम फिर से प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। और इस दौरान सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना से बात की सहयोगी पीके अग्रवाल ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज चित्तौड़गढ़ के दौरे पर, और जिस तरह से पुलिस लाइन हेलीपैड पर मंत्री सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना है, दूसरे मंत्रियों ने अगवानी की है, हमारे साथ हैं सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, जानने की कोशिश करेंगे चित्तौड़गढ़ का आज का दौरा कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री जी, अशोक गहलोत की सरकार बनने के बाद पहली बार चित्तौड़ मुख्यालय पर कार्यक्रम देकर आए हैं। हालांकि जिले में तो पहले आए हैं, निम्बाड़ा 2 बार आए हैं, लेकिन यहाँ मुख्यालय पर पहली बार आए हैं, तो निस्संदेह कोई ना कोई सौगात जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ भाषण में या मांग रखेंगे उसको पूरा करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से 4 साल होने जा रहे हैं सरकार के, दिसंबर में घोषणा पत्र, जन घोषणा पत्र जारी हुआ था, उसके लगभग 90% काम पूरे हो गए हैं। घोषणा पत्र से बाहर जाकर देखें तो दावा करती है सरकार का हमने 200% काम पूरे किए हैं। क्या लगता है जो काम किए हैं उनका रिपीटेशन? देखो, काम से मतलब हर बार कहते हैं कि इनकम वैंसी आती है, एंटी इनकम वैंसी आती है, लेकिन अभी तक ये रोजगार वाले छोटे मोटे जिनको संविदा पे लगाए वो बोले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान उनकी मुलाकात जालमपुरा के रहने वाले 96 साल के नगजी राम जाट से हुई। नगजी राम ने प्रदेश में फिर से कांग्रेस सरकार बनने का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, दिल्ली नहीं जाना है। वहीं गहलोत ने नगजी राम से कहा कि कांग्रेस की सरकार फिर से बनने पर उनका आशीर्वाद लेने के लिए चित्तौड़गढ़ सीएम फिर आएंगे। गहलोत ने कहा कि मेरी कामना है नगजी राम शताई। किसी का चक्कर में नहीं पड़ना, वापस मुख्यमंत्री बनना। कोई दिल्ली भेजन, कोई छुट्टी भेजन, नहीं सुनना किसी की, बिल्कुल नहीं सुनना। दिल्ली आपके पास आएगी, दिल्ली नहीं जा रहे, दिल्ली आपके पास आएगी। आपकी उम्र 121 आप ही।